चलो देखो, स्टार्टिंग कर रहे हैं, नया टॉपिक चलेगा रीजनिंग में। अब या के बाद लगातार तीन टॉपिक को एक क्रम है, सीक्वेंस। हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस पढ़ेंगे। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कराने वाला हूँ वो है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट हिंदी में बोलते हैं इसको क्रम परीक्षण। रैंकिंग टेस्ट मतलब कि क्रम परीक्षण। कौन सा टेस्ट है? मतलब कि क्रम परीक्षण। इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे ये तीन टॉपिकों का एक सीक्वेंस है, ध्यान रखना। एक रैंकिंग टेस्ट हो जाएगा, रैंकिंग टेस्ट के जस्ट बाद पढ़ेंगे अपन डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट मतलब कि दिशा, और दिशा परीक्षण के बाद जस्ट अपन पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब कि बैठक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? तो ये क्रम बाई क्रम अपन तीन टॉपिक पढ़ेंगे आगे के, क्रम परीक्षण, फिर दिशा परीक्षण, और फिर सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। एक एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहे हैं। आज स्टार्टिंग कर रहे हैं क्रम परीक्षण की, काहे की रैंकिंग टेस्ट। तो एक बार आप लोग सुन लो सभी, पहले तो रैंकिंग टेस्ट की यदि मैं बात करूं, मतलब कि क्रम परीक्षण की बात करूं, तो क्रम परीक्षण में जो प्रश्न आते हैं वो किसी कतार से संबंधित होते हैं या व्यक्तियों के किसी क्रम से संबंधित होते हैं। इसमें 5, 6 या एक्स वाई जेड कितनी भी संख्या हो सकती है व्यक्तियों की, उनको एक क्रम के हिसाब से बिठाया जाता है, फिर उस पर आधारित प्रश्न बनते हैं। व्यक्ति कोई भी एक कतार में या कोई एक पंक्ति में बैठे हुए होंगे या खड़े होंगे जैसे भी, और उनका जो ऑर्डर होता है, जो क्रम होता है, वो हमें बताना पड़ता है। हो सकते, देखो कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं वो और सुन लो। इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो प्रकार एक जो आती है मुन्ना, टाइप वन, वो टाइप वन ये है कि किसी भी पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। किसी भी पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, मतलब कि कुल व्यक्तियों की, कुल व्यक्तियों की क्या ज्ञात करना, संख्या। पहली टाइप में एक पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का दाएं या बाएं से स्थान दिया जाएगा, दाएं बाएं से, ऊपर नीचे से, या आगे पीछे से स्थान दिया जा सकता है। आपसे पूछेगा बताइए इस कतार में या इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। रीजनिंग का सबसे सरल टॉपिक है ये, इससे सरल टॉपिक कोई नहीं है रीजनिंग में, बड़ा आसान है ना। ऐसा ही आपकी एक टेस्ट सीरीज हुई थी, उसमें आया था एक क्वेश्चन आया था ना, तो वो जो है क्रम परीक्षण का क्वेश्चन है। अब इसमें पहली जो टाइप आएगी वो आएगी क्या, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। इसके जस्ट बाद टाइप बनेगी दूसरी, बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, जैसे राम किसी कतार में दाएं से 35वां है, श्याम उसी कतार में बाएं से 42वां है, बताइए दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं। यदि कतार में कुल 150 व्यक्ति हों तो दोनों के बीच में क्या बताने, व्यक्तियों की संख्या। इसके बाद आती है टाइप थर्ड, प्रकार तीन, कुल व्यक्ति संख्या ज्ञात करना हो गया, बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना हो गया, उसके बाद प्रकार तीन आएगी, दाएं या बाएं से, दाएं या बाएं से क्रमांक ज्ञात करना। दाएं या बाएं से क्रमांक ज्ञात करना, किसी पंक्ति में कुल 168 विद्यार्थी हैं, यदि राम दाएं से 9 के बाद 10वां है तो बताइए बाएं से उसका क्रमांक क्या होगा या स्थान कौन सा होगा, ऐसे सवाल। तो क्रम व्यवस्था में हम पढ़ेंगे तीन तो हैं ये मूल टाइप, इनको क्या बोलते हैं, मूल टाइप है ये, बेसिक बेसिक प्रकार के प्रश्न है तीन। इसके अलावा तीन बनेंगी इनसे ऊपर, उनमें एक कंडीशन अलग से लगेगी, क्या, स्थान परिवर्तन के बाद। कौन से परिवर्तन के बाद? स्थान परिवर्तन के बाद बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। किसके बाद? स्थान परिवर्तन के बाद। तो यहां पर जो तीन बनेंगी वो बनेंगी स्थान परिवर्तन के बाद। प्रकार चार आएगी, क्या होगा, स्थान परिवर्तन के बाद, स्थान परिवर्तन के बाद कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, पहली भी यही थी, पहली टाइप भी कुल व्यक्तियों की संख्या है,
ये भी कुल व्यक्तियों की संख्या है, केवल थोड़ा सा अंतर आया क्या, स्थान परिवर्तन के बाद। इसमें क्या होता है, दो व्यक्ति आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, राम की जगह श्याम चला जाता है और श्याम की जगह कौन आ जाता है, राम। उसके बाद पूछता है बताओ कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, क्लियर। इसके बाद फिर टाइप बनेगी प्रकार पांच, कौन सी टाइप, प्रकार पांच, वो भी यही है सेम टू सेम, स्थान परिवर्तन के बाद, के बाद बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, किसके बाद, स्थान परिवर्तन के बाद। यही तीन टाइप नॉर्मल है, यही तीन बनेंगी स्थान परिवर्तन के बाद। फिर बनेगी प्रकार छह, क्या, स्थान परिवर्तन के बाद, स्थान परिवर्तन के बाद दाएं या बाएं से नया क्रमांक ज्ञात करना, नया क्रमांक ज्ञात करना। कितनी टाइप हो गई, ये छह तो हैं बेसिक क्रम व्यवस्था की, तीन तो हो गई कुल व्यक्तियों की संख्या, बीच में व्यक्तियों की संख्या, दाएं या बाएं से स्थान ज्ञात करना, तीन ये हो गई कि स्थान परिवर्तन के बाद कुल व्यक्तियों की संख्या, स्थान परिवर्तन के बाद बीच में व्यक्तियों की संख्या और स्थान परिवर्तन के बाद नया क्रमांक ज्ञात करना। कितनी टाइप है टोटल, छह। इन छह के अलावा दो टाइप और बनेंगी सर, कितनी टाइप और बनेंगी, दो। एक टाइप बनती है सार्थक क्रम पर आधारित प्रश्न, प्रकार सात, कौन से क्रम, सार्थक क्रम पर आधारित प्रश्न। सार्थक क्रम मतलब दे दिया आपको है ना, कागज काटना या फिर ऐसे दे दिया, चौक से निशान लगाना, काटना, सिलना, पहनना, ठीक है, इन सबका एक क्रम बताना है आपको, सीक्वेंस। तो वो वाले प्रश्न आएंगे किसमें, सार्थक क्रम पर आधारित प्रश्न। कितनी टाइप है गई, अरे कितनी टाइप है गई, सात। या के अलावा यदि मैं और बात करूं क्रम व्यवस्था में, तो एक टाइप आएगी जिसका नाम है विविध, क्या नाम है, विविध। टोटल कितनी टाइप है गई, आठ। प्रकार पढ़ेंगे हम इसमें आठ, आठ प्रकार के प्रश्न है, कितने प्रकार के प्रश्न है, अरे कितने प्रकार के, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, दोबारा सुन लो, जो अपन एक क्रम से पढ़ रहे हैं हर चीज को, क्रम बाय क्रम चलेगी, ठीक है। यहां आपको याद रखना है कितनी प्रकार के प्रश्न बताए मैंने, आठ प्रकार के प्रश्न है, काय में, रैंकिंग टेस्ट में, क्रम परीक्षण जो टॉपिक है, तीन तो हैं बेसिक, तीन फिर इनकी सब बेसिक हैं, सब बेसिक टाइप, और दो ये अलग है, एक तो सार्थक क्रम वाली जिसको बोलते हैं शब्दकोश पर आधारित है ना, वो आएगी एक, तो वो तो आ जाएगी चल वर्णमाला में, लेकिन इसमें क्या आएंगे, इसमें आएंगे शब्द और उनको उनके क्रम के आधार पर जमाना पड़ेगा। फिर यह अकेला आएगी आठवीं टाइप विविध, कुल मिला के कितनी टाइप है, आठ। करें स्टार्टिंग, बिल्कुल सरल है, इजी वे में, एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, दो क्वेश्चन आप करोगे, आगे चल देंगे, समझ में नहीं आएगा पांच छह क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है। टॉपिक का नाम डालो फटाक से, रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण, रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण लिखो। टॉपिक का नाम डाल दो रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण। लिख दिया रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण, लिखा लेंगे कोई खास चीज है नहीं है ना, डायरेक्ट लिखो टाइप फर्स्ट, प्रकार एक, प्रकार एक लिखो, स्टार्टिंग करते हैं, कौन सी चलेगी, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। टाइप फर्स्ट, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूं, उसके बाद आपको करने के लिए दूंगा, दो आप करना एक मैं करूंगा, तीन हो जाएंगे बहुत है हर टाइप में, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो कहेगा मान लो पहला प्रश्न जैसे कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, मान लो पहला प्रश्न आया कि किसी कतार में, किसी किसी कतार में राम दाएं से पांचवां है, किसी कतार में राम दाएं से पांचवां है और राम का बाएं से स्थान आठवां है, पूछेगा बताओ पंक्ति में, बताओ पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। सर जी सुनिए ढंग से, बेसिक भी समझा रहा हूँ, ऐसे भी समझा रहा हूँ, जितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे इसमें वो सब बताऊंगा,
इसी टाइप में कितने तरह के प्रश्न बनेंगे। तो देखो, राम का दाएं से स्थान कौन सा है? पांचवां। और राम का बाएं से स्थान? आठवां। मान लो मेरे पास है एक पंक्ति, ये रही, ये हो गया मेरा दायां इसका दायां, मेरा बायां इसका बायां। मान लो यहां कोई व्यक्ति बैठा है, नाम क्या है? अरे व्यक्ति का नाम राम। का दाएं से स्थान, दाएं से मतलब इधर से स्थान कौन सा? पांचवां। और राम का बाएं से स्थान कौन सा? आठवां। अब देखो, ये कोई पंक्ति है, कतार है, राम यहां बैठा है, दाएं से कौन से नंबर पर है? पांचवें पर। बाएं से पूछा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो कितने व्यक्ति होंगे? देखो, राम तो यहां बैठा है, इधर से पांचवां है, जब राम पांचवें नंबर पे है तो राम के इधर कितने व्यक्ति होंगे? अरे बोलो। और इधर से राम आठवें नंबर पे है तो राम के इधर सात व्यक्ति ये और चार व्यक्ति ये, सात और चार, और एक राम भी तो है। अरे है या नहीं है? तो एक राम हो गया, टोटल व्यक्तियों की संख्या। ये तो है बेसिक, ये तो है बेसिक, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है कि राम का स्थान दाएं से पांचवां, श्याम का बाएं से आठवां, और जब भी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो याद रखना क्रमांकों का योग, क्रमांकों का योग करना है और घटा देना है क्या? एक आ जाएगा कुल व्यक्तियों की संख्या। क्रमांक जोड़े, आठ पांच माइनस एक, यही उत्तर आया क्या? तो जब भी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो क्या करना है? क्रमांकों का योग माइनस, अरे क्रमांकों का योग माइनस टोटल बराबर क्या करना है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक। तो ये काम करना है आपको जब भी व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, दो बातें और याद रखना हमेशा आजीवन। किसी भी कतार में व्यक्तियों की संख्या निकालना तभी पॉसिबल है जब किसी एक व्यक्ति का हमें दोनों तरफ से स्थान बताओ। यहां पर राम का दाएं से दे रखा है और बाएं से दे रखा है, किसका? राम। एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता था तो हमने निकाल दिया कुल व्यक्तियों की संख्या, क्रमांकों का योग माइनस एक। हो सकता है क्रमांक दाएं बाएं ना देखे, ऊपर से और नीचे से कोई क्रमांक दे दे, तो वही करना है क्रमांकों का योग माइनस एक, या आगे और पीछे से कोई क्रमांक दे दे, क्रमांकों का योग माइनस एक। लेकिन एक शर्त याद रखना, एक कंडीशन याद रखना, कई बार एग्जामिनर बेवकूफ बनाएगा आपको, वो ऐसा प्रश्न दे देगा जो प्रश्न ही गलत है, तो उसके लिए याद रखना उत्तर आता है ऐसे प्रश्नों में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या आंकड़े अपर्याप्त। क्या आता है? आंकड़े अपर्याप्त। मान लो अभी मैं इस सवाल में कह दूं आपसे, सवाल ये रहा, अभी सवाल आ गया, राम किसी कतार में दाएं से पंद्रहवां है और श्याम बाएं से उन्नीसवां है, बताओ पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं? तो ऐसा मत करना, जल्दबाजी में कर दो, पंद्रह और उन्नीस कितने हो गए? चौंतीस माइनस एक बराबर, मत करना गलती, देखना क्या किसी एक व्यक्ति का स्थान पता है क्या आपको? नहीं पता। या तो राम का स्थान पता हो दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, या फिर श्याम का स्थान पता हो दोनों तरफ से। जब तक किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान पता नहीं होगा तब तक कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, ध्यान रखना। ऐसा कोई प्रश्न आया तो मैं आंसर दूंगा क्या? पहला तो हो गया आंकड़े अपर्याप्त, नहीं मिला तो दूसरा ऑप्शन कर दूंगा ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं मिला तीसरा ऑप्शन कर दूंगा इनमें से कोई नहीं। कई प्रश्न आ जाते हैं इनमें लिखे आते हैं आंकड़े अपर्याप्त। अब ये सवाल है, इसमें आंकड़े अपर्याप्त है, राम दाएं से पंद्रहवां है, ठीक है होगा कहीं, मान लो कोई लाइन होगी, देखो ये भी समझ लो, चलो कैसे कह रहे हैं सर, कोई लाइन है, यहां हो गया दाया यहां हो गया बाया, कोई राम नाम का व्यक्ति बैठा है यहां, इसका स्थान दाएं से है पंद्रहवां, हो गया। कोई श्याम बैठा, कहीं भी बैठ सकता है भाई, श्याम यहां हो सकता है, यहां कहीं भी बैठ सकता है। मान लो मैंने श्याम को यहां बैठा दिया और बता दिया इसका स्थान है इधर से उन्नीसवां, बोलो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कोई बता सकता है क्या? अरे बता सकता है क्या? कोई नहीं बता सकता। तो आपको देखो सुनो, बीमारी का इलाज आना चाहिए तो इलाज के साथ साथ उसकी कमियां भी पता होनी चाहिए। कोई भी अपन बीमारी का इलाज करते हैं तो डॉक्टर परहेज बताता है, वही कहानी है, हमें सवाल हल करना आना चाहिए लेकिन इसकी कमियां भी पता होनी चाहिए।
कमियां ये हैं कि जब तक किसी एक व्यक्ति का दोनों साइड से स्थान पता नहीं होगा तब तक कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात। क्लियर? अरे क्लियर है? कोई डाउट है? लिखो नोट डाल के पहली टाइप में, ये उतारना नहीं है, ये उतारना नहीं है, नोट डाल के लिखना है जो मैं लिखवा रहा हूं। किसी भी व्यक्ति का दोनों छोरों से स्थान पता होने पर, किसी भी व्यक्ति का दोनों छोरों से स्थान पता होने पर, किसी भी व्यक्ति का दोनों छोरों से स्थान पता होने पर ही, किसी व्यक्ति का दोनों छोरों से स्थान पता होने पर ही हम स्थान पता होने पर ही हम पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। स्थान पता होने पर ही हम पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। स्थान पता होने पर हम पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कब ज्ञात कर सकते हैं? जब दोनों छोरों से क्या बताओ? स्थान। इसके अलावा ये बात उतार लेना, कौन सी? कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर क्रमांकों का योग माइनस जो भी क्रमांक दाएं बाएं दे रखे हैं उनको जोड़ दो और क्या घटा देना? एक, आंसर आ जाएगा। ठीक है? कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर क्रमांकों का योग माइनस एक, या टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ठीक है? करना क्या है वो मैंने आपको बता दिया। किसमें करना है? इसमें। राम का दाएं से पांचवां स्थान, राम का बाएं से आठवां स्थान, दोनों जोड़े, जोड़ दिए, बोलो उत्तर क्या आया? 8 5 13 - 1 = 12। बोलूं सवाल? लिखो अगला क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तो लिखिए। किसी कतार में मुकेश आगे से 72वां है, किसी कतार में मुकेश आगे से 72वां है, और उसी पंक्ति में मुकेश का पीछे से स्थान, और उसी पंक्ति में मुकेश का पीछे से स्थान 59वां है, और उसी पंक्ति में मुकेश का पीछे से स्थान 59वां है, बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ऑप्शन ए 131, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 130, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए बी या सी? सी। क्लियर है? कोई डाउट? देखो एक बार। सर जी, मुकेश का आगे से और पीछे से दोनों तरफ से स्थान किसका दे रखा है? मुकेश का। जब तक किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान पता नहीं होगा तब तक कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। पता है तो क्या करना है? कुल व्यक्ति बराबर क्रमांकों का योग माइनस एक कर दो। क्रमांक जोड़ के कितना आया? 100 - 1 = 100। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? अरे दोनों को जोड़ो, माइनस एक, बोलो उत्तर 100। कोई डाउट किसी को? अरे आया ना? अरे समझ में आ रही है बात? लिखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखो, सेकंड। सैनिकों की एक पंक्ति में कपूर का स्थान दाएं से 19वां है। सैनिकों की एक पंक्ति में कपूर का स्थान दाएं से 19वां है, जबकि राजा बाएं से 72वें स्थान पर बैठा है, जबकि राजा बाएं से 72वें स्थान पर बैठा है, तो बताइए इस कतार में
बताइए इस कतार में कुल कितने सैनिक हैं? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 91, ऑप्शन सी 89, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्या आएगा उत्तर? नन ऑफ दीज नहीं होता तो आंकड़े आंकड़े पर्याप्त नहीं होता तो ज्ञात नहीं। क्लियर? कोई डाउट? क्यों नहीं कर सकते? सबको पता चला? अरे हाँ या ना? क्योंकि यहां कपूर का स्थान दाएं से और यहां किसका है? एक व्यक्ति का दोनों साइड से स्थान है क्या? तो याद रखना, एक ही व्यक्ति का, किसका? एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से या दोनों छोरों से स्थान आवश्यक है, आवश्यक है। एक ही व्यक्ति का दोनों छोरों से स्थान पता होना चाहिए, तभी निकलेगी कुल व्यक्तियों की संख्या, क्रमांकों का योग माइनस एक। बोलो उत्तर क्या आएगा? नन ऑफ। कोई डाउट यहां तक? कर लोगे? अरे सब कर लेंगे का? कोई समस्या? एक और करा दूं? लिखो। तीसरा प्रश्न, एक कतार में रमा दाएं से आठ के बाद नौवें क्रमांक पर है। एक कतार में रमा दाएं से आठ के बाद नौवें क्रमांक पर है। आठ के बाद कौन से क्रमांक पर है? नौवें क्रमांक पर। दोबारा सुन लो, आठ के बाद नौवें क्रमांक पर है। क्लियर? कोई डाउट? आगे सुनो। तथा बाएं से उसका स्थान पांच के बाद आठवां है। बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी 29। चलो मैं बताता हूं, देखो समझना, जो बच्चे पुराने हैं उनको पता है क्यों 29 आ रहा है, जो नए हैं उनको नहीं पता, एक बार समझ लो, कोई बात नहीं। देखो ये तो है हमारा सवाल, ये तो सवाल है। अब सुनना, एक लड़की है जिसको देखा तो ऐसा लगा, कैसा? कि इसका स्थान है आठ के बाद नौवां। कौन सा स्थान है आठ के बाद? अब एक बात, आठ के बाद नौवें का मतलब क्या है? आठ के बाद नौवें का मतलब है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इसके बाद नौवां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठवां सातवां आठवां नौवां, यहां है। मतलब कितने हो गए? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, सत्रहवां स्थान है। आठ के बाद नौवें का मतलब आठ और नौ। सर झूठ बोल रहे हो आप, आठ के बाद नौवें का मतलब है जस्ट अगला, आठ के बाद जस्ट अगला। ठीक है, फिर यहां क्यों लिख रहा है पांच के बाद आठवां है? फिर यहां होना चाहिए था पांच के बाद छठवां है। ठीक है, तो दिमाग से काम लिया करो, याद रखना। अब रमा की अगर मैं बात करूं तो रमा का दाएं से स्थान हो जाएगा आठ के बाद नौवां मतलब सत्रहवां, और बाएं से स्थान हो जाएगा पांच के बाद आठवां मतलब आठ पांच तेरहवां। मुझे बताना था कुल व्यक्ति, बोलो क्रमांकों का योग 30 माइनस एक बराबर क्या आया उत्तर? बोलो, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? करो तपस्या, चले आगे।
लिखो प्रकार दो। टाइप टू लिखो। ये समझ में आ गई ना, जब भी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो क्रमांकों का योग माइनस। आगे लिखो प्रकार दो। टाइप टू, टाइप टू में लिखो पंक्ति में दाएं या बाएं से क्रमांक ज्ञात करना। पंक्ति में दाएं या बाएं से क्रमांक ज्ञात करना। पंक्ति में दाएं अवलिक बाएं से क्रमांक ज्ञात करना। पंक्ति में दाएं अवलिक बाएं से क्रमांक ज्ञात करना। लिख दिया, कॉपी रखो और सामने देखो। जैसे एक प्रश्न आया, मैं करके बता रहा हूं, किसी पंक्ति में कुल छात्र हैं 10। किसी पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं? 10। मान लो कह दे कि राम का दाएं से चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा, फोर्थ। अब पूछ ले, बताओ राम का बाएं से स्थान क्या होगा? एक पंक्ति में कुल छात्र कितने? 10। दाएं से राम का स्थान है चौथा, बताओ राम का स्थान बाएं से क्या होगा? करने का तरीका सुनो पहले तो। ये रही एक लाइन, क्या है? एक। और ये हो गया दाया, तो यहां आएगा। कोई बच्चा बैठा है, बच्चे का नाम है, क्या नाम है? अब सुनो एक और बात, या राम है बैठावे थे, पहले वापस चलो ने एक। पहले देखो पंक्ति में कुल छात्र कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये कुल छात्र कितने? अब राम दाएं से कौन से नंबर पर है? राम दाएं से, ये रहा दाया, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, यहां बैठा है राम। दाएं से कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर, फोर्थ स्थान पर। राम दाएं से चौथे नंबर पर है। अब पूछा क्या है? बताओ राम का बाएं से क्रमांक क्या होगा? बताओ क्या होगा? अरे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये कौन से नंबर पे है राम? दूसरा तरीका सुनो, ये तो था तरीका नंबर एक। तरीका नंबर एक, अगर हम बात करें दूसरे तरीके की, तो दूसरा तरीका सुनो सर। कुल छात्र कितने? दाएं से स्थान कौन सा है? हमें कहां से बताना है? अगर मैं 10 में से 6 घटा दूं कितने बचे? 10 में से 4 घटा दूं कितने बचे? और जोड़ दो 1, कितना आ गया उत्तर? बोलो कौन सा स्थान था? अरे कौन सा स्थान है? अगर कुल में से क्रमांक घटा दिया जाए और 1 जोड़ दिया जाए तो उत्तर आ जाता है दाएं या बाएं से नया क्रमांक। ठीक है, अब यहां में फायदा या में, क्यों? क्योंकि यहां आपको मान लो दे देता अभी 1700 विद्यार्थी हैं, तो क्या 1700 बच्चे खींचते लाइन? तो डायग्राम से नहीं करेंगे, डायग्राम को डायग्राम में बिठाना है और फिर सवाल करना है। कैसे? कि कुल छात्र हैं 10, राम दाएं से चौथा, बाएं से स्थान, 10 में थे 4 गए तो कितने बचे? 1 जोड़ दो काएगो, एक लाइन एक कतार में व्यक्ति हैं 20। कितने व्यक्ति हैं? 20। मैं दाएं से 13वें नंबर पर हूं, बताओ बाएं से क्रमांक कौन सा होगा? 8वां। कौन सा? एक कतार में व्यक्ति हैं 100, दाएं से राम बैठा है 38वें नंबर पे, दाएं से राम कौन से नंबर पे? बाएं से उसका क्रमांक 73वां। कौन सा? क्लियर? कोई डाउट? दोबारा सुन लो, जब भी दाएं या बाएं से नया क्रमांक ज्ञात करना हो, दाएं या बाएं से क्या निकालना हो? क्रमांक। तो ट्रिक होती है टोटल, टोटल माइनस कुल, और कुल माइनस करना है क्रमांक। कुल माइनस क्रमांक प्लस कुल कितने? 10 में थे क्रमांक कितने? 10 में थे 4 गए, बचो कितनों? और 1 जोड़ दियो काएगो, बोलो आई बात समझ में? इसको नोट करो, इस वाले हिस्से को उतार लो केवल, बस इसको उतार लो केवल, और फिर सवाल करते हैं अपन। नोट कर लिया?
चलिए लिखिए प्रश्न। जब भी दाएं या बाएं से क्रमांक याद करना हो, कुल में से दिया गया क्रमांक घटाओ और एक जोड़ दो लास्ट में। लिखो पहला प्रश्न, किसी कतार में कुल छात्र 173 173 हैं, किसी कतार में कुल छात्र 173 हैं, 173 कितने हैं, 173। राम राम सर, राम राम भाई साहब, राम राम। चलिए कुल छात्र कितने, 173। बात करें राधा दाएं से 59वीं है, राधा दाएं से कौन सी है, 59वीं। बताओ राधा का बाएं से क्रमांक क्या होगा, राधा का बाएं से क्रमांक क्या होगा, किसका बताना है, राधा का, राधा का बाएं से क्रमांक क्या होगा। ऑप्शन दे रहा हूं सर, क्या दे रहा हूं, ऑप्शन, तो ऑप्शन लिख लो, राधा का बाएं से क्रमांक क्या होगा। ऑप्शन ए 113, ऑप्शन बी 115, ऑप्शन सी 117, ऑप्शन डी आंकड़े अपर्याप्त। क्या आएगा आंसर, 115। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए सर, कुल छात्र कितने, 173, और राधा का दाएं से स्थान 59वां, बाएं से स्थान पूछा है, क्या करना था अभी बताया था, टोटल माइनस लेफ्ट या राइट जो दिया गया है, और क्या करना है एंड में, एक जोड़ना है, तो कर दें कुल 173 माइनस 59, कुल माइनस दिया गया क्रमांक, 173 में से 59 गए कितने बचे, 114, प्लस एक बराबर कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, 115वां स्थान है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, अरे हाँ या ना। अगला प्रश्न लिखो, चले आगे, सेकंड क्वेश्चन, किसी कतार में कुल छात्र 269 है, 269, किसी कतार में कुल छात्र 269 हैं, कितने हैं, रमा का, किसका, रमा का दाएं से 23 के बाद 42वां स्थान है, रमा का दाएं से 23 के बाद 42वां स्थान है, रमा का दाएं से 23 के बाद 42वां स्थान है, तो बताओ रमा का बाएं से क्या क्रमांक होगा, रमा का बाएं से क्या क्रमांक होगा, रमा का बाएं से क्या क्रमांक होगा, ये बताना है। क्वेश्चन आपके आगे, ऑप्शन ए 204, कितना चार, 204, बी 203, सी 205, डी 206, कौन सा आएगा बताओ, 205। चलिए देख लो एक बार, किसी कतार में कुल छात्र कितने हैं, 269, रमा दाएं से 23 के बाद 42वें स्थान पर है, रमा का दाएं से 23 के बाद कौन सा स्थान है, 42वां, बताओ रमा बाएं से कौन से स्थान पर है, तो देखो सर रमा का पहले दाएं से निकालो, 23 के बाद 42वां, मतलब 23 और 42 65वां। अब पूछा है रमा का बाएं से क्रमांक होगा, कुल 269 माइनस 65 बराबर 200 प्लस 1 बराबर 200, कितना आएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 205 है ना, ऑप्शन नंबर क्या आएगा,
सी। क्लियर? कोई डाउट? किसी को कोई समस्या? यहां तक कोई प्रॉब्लम? लिखो प्रकार तीन। आगे की मुलाकात करेंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले सभी विद्यार्थी सुन लें, जो हमने टेस्ट पेपर लिया था बीएसटीसी का, उसका सॉल्यूशन कल यूट्यूब चैनल पे लाइव करवाया जाएगा 8 बजे से। सभी विद्यार्थी प्रातः 8 बजे यूट्यूब चैनल से लाइव जुड़ जाएं। क्लियर? जी हाँ, चलिए। कुल मिलाकर के हम ये दो टाइप पढ़ चुके हैं और आज तीसरी टाइप पढ़ेंगे, बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। तो टाइप थर्ड डालो, टाइप थर्ड प्रकार तीन, बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। और सर जी, सबसे पहले कॉपी बंद करो और समझ लो चीजें, चीजें समझ लो कैसे कैसे क्या क्या है। बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, किस तरीके के प्रश्न बनेंगे, कितने प्रश्न बनेंगे, क्या तरीका हो सकता है। तो इसमें याद रखना, जब भी बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है तो तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कंडीशन ए सुनो, जब दिशा समान हो, जब दिशा कैसी हो? समान। जैसे एक क्वेश्चन आया मान लो कि, उदाहरण, राम किसी कतार में दाएं से 13वां है, राम किसी कतार में दाएं से 13वां है, और श्याम उसी कतार में दाएं से 9वां है, राम किसी कतार में दाएं से 13वां है और श्याम उसी कतार में दाएं से 9वां है। अब कहे कि बताओ दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। क्या कहे? बताओ दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? तो देखो, एक तरीका तो ये है कि हम एक लाइन ड्रॉ कर लें, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। मान लो यहां पर बैठा है राम। कौन बैठा है? राम नहीं, पहले श्याम मानेंगे। क्या मानेंगे? यहां श्याम बैठा है, दाएं से कौन सा है? 9वां। यहां बैठा है मान लो राम, दाएं से कौन सा है? 13वां। अब पूछा है इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 9वें के बाद सुनो, 9वें के बाद जो व्यक्ति होंगे इनके बीच में, 9वें के बाद क्या होगा? 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, ये खुद है। तो बीच में कितने व्यक्ति हैं? तीन। एक तरीका तो ये है कि बेसिक अपन ऐसे कर ले, राम दाएं से 13वां है और श्याम दाएं से 9वां है, दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। तो एक तरीका यह है कि अपन डायग्राम बना के सॉल्व करें। दूसरा तरीका यह है सर, देखो इधर, जब भी दिशा समान हो, दिशा कैसी हो? समान, ये भी दाएं से और ये भी दाएं से, जब भी दिशा समान हो तो पूछे बीच में व्यक्तियों की संख्या, तो एक ही काम करना है, क्रमांकों का अंतर माइनस एक। क्रमांकों का अंतर माइनस एक। बोलो क्रमांक कितने हैं? 13, इसका 9, दोनों का अंतर 4 माइनस 1 बराबर 3। बोलो बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3। एक तो तरीका है ये, जब भी दिशाएं समान हो तो क्रमांकों का अंतर कर लेना और माइनस कर देना 1। जैसे राम दाएं से 13वां है, श्याम दाएं से 9वां है, दोनों दाएं दाएं से, या आगे आगे से, या ऊपर ऊपर से, या पीछे पीछे से, या नीचे नीचे से, या बाएं बाएं से, यदि एक ही दिशा से दोनों के क्रमांक दिए जाएं तो क्रमांकों का अंतर माइनस एक। तो एक तो कंडीशन बनती है ये। सेकंड जो कंडीशन बनती है, कंडीशन बी, वो क्या है? जब
दिशा विपरीत हो, जब दिशा विपरीत हो, मतलब एक दाएं से और एक बाएं से क्रमांक दे रखा हो, या एक का ऊपर से और एक का नीचे से, या एक का आगे से और एक का पीछे से क्रमांक दे रखा हो, ऐसी स्थिति में यदि पूछा जाए कि बताओ दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं, तो कैसे करेंगे? तो सुन लो, जब भी दिशाएं विपरीत हों, मतलब असमान हों, मान लो प्रश्न आया, एक उदाहरण, किसी कतार में कुल छात्र 10 हैं, कितने 10, मैं उदाहरण के लिए कम मान रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा, किसी कतार में कुल कितने छात्र हैं 10, मान लीजिए राम दाएं से तीसरा है और श्याम बाएं से चौथा है, पूछे बताओ दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो सर पहला तरीका तो अपने पास ये है कि अपन डायग्राम बना सकते हैं, ये बायां ये दायां, कुल व्यक्ति कितने 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब राम दाएं से कौन सा है? तीसरा। तो दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, यहां कौन बैठा है? राम, दाएं से तीसरा हो गया। श्याम बाएं से चौथा है, बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां कौन बैठा है? श्याम, बाएं से कौन सा हो गया? चौथा। पूछा है दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, बोलो कितने व्यक्ति हैं? एक तरीका तो ये है, लेकिन अगर सवाल बड़ा होता और मान लो कुल छात्र संख्या होते 299, तो क्या ऐसे 299 बना पाते हम? नहीं बना, नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या करना है? तो फिर सीधा सा तरीका बताता हूं, जब भी दिशाएं विपरीत हों तो आप क्रमांकों को जोड़ना, बोलो 4 और 3, और कुल में से घटा देना, उत्तर आ जाएगा। बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3। करना क्या है? करना यह है कुल माइनस क्रमांकों का योग, कुल माइनस क्रमांकों का योग, कुल में से क्या घटाना है? क्रमांकों का योग, कुल माइनस क्रमांकों का योग करना है। जो भी कुल छात्र हैं, जो भी क्या है, कुल छात्र, उनमें से दोनों के क्रमांकों का योग करके घटा देना है बस। अगर दाएं बाएं से दिए जाए तो विपरीत दिशा हो, तो दिशा कैसी हो? विपरीत। दो स्थिति बता दी, दोनों स्थिति दोबारा सुन लो, एक जब दिशाएं कैसी हो? समान। दिशाएं अगर समान है तो क्रमांकों का अंतर माइनस, जब दिशा कैसी हो? दिशा विपरीत हो तो कुल माइनस क्रमांकों का योग, ये दो स्थितियां बनती हैं, एक दिशा समान हो, एक दिशा विपरीत हो। तीसरी स्थिति क्या कहती है सर, वो भी सुन लो फिर, एक थर्ड स्थिति बनती है तीसरी। तीसरी स्थिति कहती है जब दिशा विपरीत हो, जब दिशा कैसी हो? विपरीत। सर अभी तो पढ़ाया था, सर अभी तो पढ़ाया था, क्या जब दिशा विपरीत हो? फिर दोबारा से पढ़ा रहे हो क्या, जब दिशा क्या हो? लेकिन याद रखना यहां जो स्थिति है वो क्रॉस की है। कैसी स्थिति है? क्रॉस की। दिशा विपरीत हो, जब भी दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक सामान्य प्रश्न जो अभी हमने देखे, कुल माइनस क्रमांकों का योग, सेकंड कंडीशन जो बनती है वो ये बनती है, जब भी दिशाएं विपरीत हो तो क्रॉस की स्थिति बनती है। इसका पता कैसे चलता है वो सुन लो, देखो प्रश्न, देखो प्रश्न से पता चल जाएगा। उदाहरण, किसी पंक्ति में कुल छात्र 10 है, किसी पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं? 10। राजा दाएं से 9वां है, राजा दाएं से कौन सा है? 9। और रानी बाएं से 8वीं है, राजा दाएं से 9वां है, रानी बाएं से 8वीं, बताओ दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं, क्या होगा? देखो सर यहां पर कुल छात्र कितने 10, राजा दाएं से 9वां है,
और रानी बाएं से क्या है आठवीं, तो दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं। तो देखो स्थिति, मान लो ये है वो लाइन, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, यहां दे रखा है कि राजा दाएं से नौवां है, दाएं से नौवां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठवां सातवां आठवां नौवां, यहां बैठा है कौन दाएं से, कौन सा है नौ, रानी बाएं से है आठवीं, रानी बैठी है यहां, कहां बैठी है यहां, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठवें नंबर पर कौन है रानी, बताओ दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे या नहीं भाई, दोनों एक दूसरे को नाक गए, ये राजा उसको नाक गया और रानी इसको नाक गई, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हैं, हाँ या ना। जब भी क्रॉस वाली स्थिति बनेगी तो कैसे पता चलेगा, क्रमांकों का योग हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक दो तीन चार पांच, कितने आदमी थे, और तुम कितने थे, फिर भी पिट गए, चलो कितने आदमी है पांच, कितने आदमी है दोनों के बीच में, कितने आदमी है पांच। सर पता कैसे चलेगा, तो पता याद रखना, मैंने अभी आपको बताया था जब भी दिशाएं विपरीत हों तो कुल में से क्या घटाना है, क्रमांकों का योग। सर यहां तो कुल कितना है दस और क्रमांकों का योग बैठ रहा है सत्रह, कितना बैठ रहा है, तो याद रखना मुन्ना जब भी क्रमांकों का योग कुल से ज्यादा बैठे, कुल व्यक्ति हैं दस लेकिन क्रमांकों का कितना बैठा है सत्रह, इसका मतलब कैसे बैठे क्रॉस करके, ऐसे पता चलेगा, है ना। जब भी क्रमांकों का योग ज्यादा हो कुल बच्चों से तो इसका मतलब एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे। अच्छा ऐसी स्थिति में करना क्या है, तो उसके लिए बता देता हूं मैं आपको, ऐसी स्थिति में करना यह है कि कुल जो है ना, कुल कुल में जोड़ देना दो, कितने जोड़ देना दो, माइनस कर देना एक मिनट, क्रमांकों का योग जो आए सत्रह आया था ना, इसमें से घटा देना क्या कुल प्लस दो करके, कुल में दो जोड़ के। दो क्यों जोड़े जा रहे हैं सर, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे तो दो व्यक्ति एक्स्ट्रा हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए। अब करना क्या है सर, करना यह है सत्रह है क्रमांकों का योग, इसमें से घटाना है, क्या घटाना है कुल प्लस दो, तो दस और दो बारह, सत्रह में से बारह गए कितने बचे, और यहां पर भी कितने आदमी है, बोलो तीनों स्थिति समझ में आई, अरे हाँ या ना। एक जब दिशा समान हो तो क्रमांकों का अंतर माइनस एक, राम दाएं से और श्याम भी दाएं से, एक ही लाइन में दो व्यक्ति दाएं ओर से बैठे, दोनों का अंतर कर दो माइनस एक, उत्तर आ गया। बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, यदि क्रमांकों का अंतर माइनस एक, देखो तीन स्थितियां हैं, बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए कितनी स्थितियां हैं तीन। पहली स्थिति है जब दिशाएं समान हो, ये दाएं से और ये भी दाएं से, तो क्रमांकों का अंतर कर दो माइनस एक। दूसरी बात, जब दिशा कैसी हो विपरीत हो तो क्या करना है, तो करना है कुल माइनस क्रमांकों का योग। और तीसरी स्थिति, जब दिशा विपरीत हो लेकिन कौन सी स्थिति हो क्रॉस वाली, तो क्या करना है, तो जो कुल है ना उस कुल को नहीं छेड़ना है, क्रमांकों का योग लेना है, उसमें से घटा देना है कुल प्लस दो, कुल में दो जोड़ के घटा देने, तो सत्रह में से गए बारह, कितने बचे पांच, क्लियर। निकालो कॉपी फटाफट, नोट करो जल्दी। टाइप थर्ड प्रकार तीन, बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, जल्दी से नोट करना शुरू कर दो।
जब दिशाएं समान हो कंडीशन ए डाल देना, राम दाएं से 13वें स्थान पर है और श्याम दाएं से 9वें स्थान पर है ना। तो बताओ दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं, करना क्या है, क्रमांकों का अंतर माइनस एक। नोट कर ली सबने, चलें सेकंड स्थिति बी, कंडीशन बी। यही एक टाइप थी इस पूरे टॉपिक में जो समझने लायक थी, बस बाकी सब वैसे ही है भाई। दाएं दाएं से जब भी दिए जाएं दिशाएं अगर समान हैं तो क्रमांकों का क्या करना है, अंतर माइनस एक। आगे टाइप बी, जब दिशा विपरीत हो, जब दिशा कैसी हो, विपरीत, तो करना क्या है, कुल माइनस क्रमांकों का योग घटा देना है। जैसे किसी लाइन में कुल छात्र कितने हैं, 10, राम दाएं से तीसरा, श्याम बाएं से चौथा, 4 और 3 7, कुल में से घटा देंगे, 10 में 7 गए बचे 3, तो कितने व्यक्ति हैं बीच में, 3 व्यक्ति हैं, 1 2 और 3। नोट कर लो जल्दी। कर लिया सर नोट, चलें आगे। अगली कंडीशन थर्ड, जब दिशा विपरीत हो, लेकिन कौन सी स्थिति हो, क्रॉस वाली स्थिति हो, जब एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हो, एक दूसरे को कैसे बैठे हो, क्रॉस करके ऐसे, तब क्या होगा, तो तब करना है क्रमांकों का योग माइनस कुल प्लस 2, क्रमांकों का योग माइनस कुल प्लस 2 कर देना है। क्लियर है, चलिए नोट कर लिया पूरा। तीन कंडीशन बनती हैं बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए, एक जब दिशाएं विपरीत हों, एक जब दिशाएं समान हों, और थर्ड जब दिशा विपरीत हो लेकिन क्रॉस वाली स्थिति हो। कुल छात्र राजा दाएं से, रानी बाएं से, है ना, 8 और 9 17 हो गए, 10 से ज़्यादा हैं, तो 17 माइनस 10 प्लस 2 कर दिया। ठीक है, बोलूं क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो अगला, और करके बताना जल्दी से, इसी टाइप में है ना। लिखो, छात्रों की एक कतार में छात्रों की एक कतार में 143वें क्रमांक पर है, छात्रों की एक कतार में मीरा आगे से 143वें क्रमांक पर है, और वंदना उसी कतार में पीछे से 59वें क्रमांक पर है,
और वंदना उसी कतार में पीछे से 59वें क्रमांक पर है। यदि उस कतार में कुल 400 छात्र हों, यदि उस कतार में कुल 400 छात्र हों, यदि उस कतार में कुल 400 छात्र हों, तो बताइए वंदना और मीरा के बीच, तो बताइए वंदना और मीरा के बीच कुल कितने छात्र हैं? तो बताइए वंदना और मीरा के बीच कुल कितने छात्र हैं? तो बताइए वंदना और मीरा के बीच कुल कितने छात्र हैं? हाँ सर, ऑप्शन लिखिए 196, 197, 198 और 200। हरवीर जी, बिल्कुल गलत उत्तर है आपका, है ना? बाकी पागल 198 बिल्कुल सही है। चलिए देखो, कुल छात्र कितने हैं? 400। मीरा आगे से कौन से क्रमांक पर है? 143। और वंदना पीछे से 59वें क्रमांक पर है। क्या दिशाएं समान है क्या? अरे दिशा समान है क्या? एक आगे से एक पीछे से, मतलब दिशाएं कैसी हैं? विपरीत। और जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो कुल कर दो क्रमांकों का योग और माइनस कर दो कुल में से। बोलो क्रमांकों को जोड़ने पर कितना आया? अरे 9 और 3, 12 2 हासिल, 1 5 और 4, 202। कितना आया? तो बीच में व्यक्तियों की संख्या, बीच में व्यक्ति कितने होंगे? टोटल माइनस क्रमांकों का योग बराबर 100। कितना आएगा? 100। अरे क्लियर है? कोई डाउट है? कुल में से क्रमांकों का योग करके घटा दो। क्यों? क्योंकि क्रॉस की स्थिति तो नहीं है ना। क्रॉस की स्थिति जब आती है, जब 400 से ज्यादा योग बैठता है इनका। क्लियर? लिखाऊं अगला? एक और लिखो, है ना? एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो, पक्षियों की एक कतार में, पक्षियों की एक कतार में, पक्षियों की एक कतार में तोता, तोता दाएं से 72वां है। पक्षियों की एक कतार में तोता दाएं से 72वां है। तोता दाएं से 72वां है और मैना, और मैना दाएं से 47वीं है। और मैना दाएं से 47वीं है। दोबारा सुन लो, किसी कतार में तोता दाएं से 72वां है और मैना दाएं से 47वीं है। बताओ तोता और मैना के मध्य कितने पक्षी हैं? बताओ तोता और मैना के मध्य कितने पक्षी हैं? ऑप्शन लिखो, ए 119, ए 119, बी ए 119, बी 118, सी 24, डी इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा आंसर? तोता और मैना के बीच कितने? 24। देख लो सर, अब एक बात बताओ, क्या इनकी दिशाएं समान है क्या? दाएं दाएं से, जब भी दिशाएं समान होती हैं तो बीच में जो पक्षी या व्यक्ति या जो भी होंगे
वो होंगे क्रमांकों का अंतर माइनस, बोलो क्रमांकों का अंतर 72 माइनस 47 कितना हुआ, और माइनस कर दो एक, बोलो उत्तर क्या आया। अरे कर लोगे कोई डाउट, एक और बोल दूं क्या, बोल दूं, लिखो। बिल्कुल भाई साहब, कौन है जिसने नाम रख रखा है पागल, पागल के दोनों उत्तर सही है, 198 भी सही है और 24 भी सही है। सौरभ द्वेश, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सौरभ। और पागल की घात भी 001 है। आपके दोनों उत्तर सही है भाई साहब, दोनों है ना। और सौरभ गुड मॉर्निंग, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। एक और प्रश्न दे रहा हूं मैं, है ना। तीन कंडीशन बताई थी, तीनों में से दो का एक एक करा दिया, जब दिशाएं समान हो दिशाएं विपरीत हो। एक क्रॉस वाला लिखो, लिखो। किसी कतार में कुल छात्र, किसी कतार में कुल छात्र 101 हैं, 101। किसी कतार में कुल छात्र 101 हैं, उस कतार में मोहन, उस कतार में मोहन दाएं से 72वां है, उस कतार में मोहन दाएं से 72वां है, और सुंदरी बाएं से, और सुंदरी बाएं से 78वीं है, और सुंदरी बाएं से 78वीं है, बताइए मोहन और सुंदरी के मध्य, बताइए मोहन और सुंदरी के मध्य कुल कितने छात्र हैं। 45, 47, 49 और none of these, कितने छात्र हैं कतार में, कुल छात्र कितने 101। सबसे पहले याद है हम क्या करते हैं, क्रमांकों का योग करते हैं। देखो ये दाएं से ये बाएं से, मतलब दिशाएं कैसी हैं विपरीत, विपरीत हैं तो क्रमांकों का कर लो योग, करो जरा कितना आया 150। क्या ये कुल योग से ज्यादा है क्या, इसका मतलब कौन सी स्थिति है, क्रॉस, क्रॉस करके बैठे, कुल योग से ज्यादा है तो क्रॉस करके बैठे। तो फिर बीच में व्यक्तियों की संख्या कैसे निकलेगी, बीच में व्यक्ति, बीच में व्यक्तियों की संख्या कैसे आएगी सर, क्रमांकों का योग माइनस कुल प्लस दो, तो 101 और दो कितने, तीन कर दो, कितने बचे, आंसर बी। क्लियर, कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है क्या। सौरभ द्वेश, 50, 49, 49, 49 सौरभ उत्तर तो आएगा। चलें आगे, ये अपनी तीन टाइप कंप्लीट हो गई, कितनी टाइप हो गई, अगली लिखो प्रकार चार, प्रकार चार लिखो, टाइप फोर। लिखो स्थान परिवर्तन के बाद, स्थान परिवर्तन के बाद कुल व्यक्तियों की संख्या, स्थान परिवर्तन के बाद कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, स्थान परिवर्तन के बाद कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, स्थान परिवर्तन के बाद कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। लिख दिया,
ठीक है, देखो सर, सर आरपीएफ के लिए क्या बिल्कुल आरपीएफ के लिए चल रहा है? देखिए, स्थान परिवर्तन के बाद कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, वो लिखो, फिर वो मैं समझा दूंगा आप लोगों को, लिखो। देखो, किसी कतार में राम का स्थान, हाँ सर, देखिए क्या बोला था, किसी कतार में राम का स्थान दाएं से 19वां है, किसी कतार में राम का स्थान दाएं से 19वां तथा राधा का स्थान बाएं से 13वां है, राधा का स्थान बाएं से 13वां है। यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें, यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें तो यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें तो राम दाएं से 23वां हो जाता है, राम दाएं से 23वां हो जाता है। यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें तो राम दाएं से 23वां हो जाता है। बताइए इस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? दोबारा सुन लो, किसी कतार में राम दाएं से 19वां है और राधा बाएं से 13वीं। यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें तो राम दाएं से 23वां हो जाता है। बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? सर देखो एक बार इधर, ये बायां और ये, मान लो दो व्यक्ति बैठे, एक्स वाई जेड कहीं भी मान लो, मान लिया मैंने राम दाएं से 19वां यहां बैठा है, राम कौन है यहां, दाएं से कौन सा है 19वां, और यहां बैठी है राधा, कौन बैठी है बाएं से, कौन से स्थान पर है 13वें पर। समझने की कोशिश करना, हालांकि सवाल तो 5 सेकंड का है ये, पर समझने की कोशिश करना पहले। राम दाएं से कौन सा है 19वां, राधा बाएं से 13वीं। अब वो कह रहा है यदि ये दोनों परस्पर स्थान बदलने का मतलब राधा तो यहां से चली जाए कहां, यहां राम की जगह, और राम यहां से आ जाए यहां राधा की जगह। मतलब ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें, ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, तो कह रहा है कि राम दाएं से 23वां हो जाता है। अब राम कहां गया, यहां, और ये स्थान दाएं से कौन सा है 23वां, राम दाएं से 23वां हो जाता है। बताओ पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? बताओ, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। अरे ये बताया था किसी एक जगह का दोनों तरफ से स्थान पता हो तो निकाल लेंगे। अब इस पॉइंट का, राम वाले पॉइंट का हमें दोनों तरफ से स्थान पता है, इधर से राम कौन सा है 23वां, तो राम के इधर कितने बच्चे बैठे हैं 22, इधर से राम कौन से स्थान पर है 13वें पर, तो इधर कितने बैठे 12, तो 12 इधर और 22 इधर, 12 और 22
34 और एक खुद राम भी तो है, तो टोटल छात्र कितने हो गए? ये तो है मैप से, मतलब कि डायग्राम बना के। आप कहो कि सर डायग्राम तो डायग्राम में बैठता ही नहीं, नहीं बैठता तो सुनो, जब भी स्थान परिवर्तन के बाद कुल व्यक्तियों की संख्या पूछे तो एक काम करना, एक का तो लेना नया स्थान, एक का तो लेना नया स्थान प्लस एक का लेना पुराना स्थान, ले लिया, और माइनस प्लस कर देना एक, एक मिनट, नहीं माइनस एक, एक का नया, एक का पुराना और माइनस क्या करना है एक। करूं बोलो नया स्थान किसका लूं अब? अरे राम का ही तो है नया, पहले राम 19 में पे था, अब राम कौन से पे? तो राम का नया स्थान प्लस पुराना किसका लूं? राधा का। राधा कौन से पे? और माइनस बोलो 23 और 13 36, 23 और 13 माइनस एक कितना आया? और यहां भी देखो कितने थे, बोला आई बात समझ में? एक का नया प्लस दूसरे का पुराना माइनस, एक का नया दूसरे का पुराना माइनस, एक का नया दूसरे का पुराना माइनस। नोट करो फटाक से, एक का नया दूसरे का पुराना माइनस एक। एक का नया दूसरे का पुराना माइनस एक, कर लो जल्दी से। जब भी स्थान परिवर्तन के बाद कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो सेम प्रोसेस है, एक का नया दूसरे का पुराना माइनस एक। एक प्रश्न और बोल दूं बस, उसी से काम हो जाएगा। एक सवाल और लिख लो, चलो डायरेक्ट बोर्ड पे से उतार लो, बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी कतार में रमा आगे से 72वें क्रमांक पर है, किसी कतार में रमा आगे से 72वें क्रमांक पर है और वंदना पीछे से 68वें क्रमांक पर है, और वंदना पीछे से 68वें क्रमांक पर है, लिखो, और रमा आगे से 72वें क्रमांक पर है तथा वंदना पीछे से 68वें क्रमांक पर है, यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें कौन? ये दोनों, रमा और वंदना, यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें तो वंदना पीछे से 113वें क्रमांक पर आ जाती है, तो वंदना पीछे से 113वें क्रमांक पर आ जाती है। यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें तो वंदना पीछे से 113वें क्रमांक पर आ जाती है। बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? कितने आए सर? 184। एक का नया, एक का पुराना, बोलो वंदना का नया स्थान प्लस रमा का पुराना स्थान माइनस एक, कितने हुए? 185 माइनस एक बराबर 180। बोलो कोई दिक्कत? अगली टाइप लिखो, प्रकार 5।
लिखो सर टाइप प्रकार पांच, और प्रकार पांच में लिखो स्थान परिवर्तन के बाद, स्थान परिवर्तन के बाद, स्थान परिवर्तन के बाद नया क्रमांक ज्ञात करना, नया क्रमांक ज्ञात करना, स्थान परिवर्तन के बाद नया क्रमांक ज्ञात करना। चलिए स्थान परिवर्तन के बाद नया क्रमांक ज्ञात करना। एक प्रश्न लिखिए, वो मैं समझाऊंगा, एक आपको दूंगा। लिखिए प्रश्न, यदि किसी कतार में कपूर दाएं से बारहवां है, यदि किसी कतार में कपूर दाएं से बारहवां है तथा इलायची, क्या हुआ, तथा इलायची बाएं से अगर इलायची के नाम पे इतना ही हंस रहे हो तो बता देता हूं, कमला और इलायची दो स्त्रियां हैं राजस्थान की जो चितेरी हैं, चितेरी मतलब जो चित्रकार हैं, और नाथ द्वारा शैली के चित्रकार बनाती हैं चित्र, नाथ द्वारा शैली के, और रीट 2023 में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा, कमला और इलायची महिलाओं के नाम है। आगे चलिए, कपूर दाएं से बारहवें स्थान पर है तथा इलायची बाएं से 19वें स्थान पर है, तथा इलायची बाएं से 19वें स्थान पर है, यदि दोनों परस्पर स्थान बदल लें कौन कौन, कपूर एंड इलायची, यदि दोनों परस्पर स्थान बदल लें तो कपूर दाएं से 23वां हो जाता है, यदि दोनों परस्पर स्थान बदल लें तो कपूर दाएं से 23वां हो जाता है, बताइए इलायची का बाएं से नया स्थान क्या होगा बताइए इलायची का बाएं से नया स्थान क्या होगा। ऑप्शन ए 29वां, बी 30वां, सी 31वां, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीस। नोट कर लिया, अब सुनो सामने समझ लो एक प्रश्न, एक बात बताओ तुम, कमला और इलायची को तो छोड़ो, बात करते हैं इन दो की, एक है बाएं से और एक है, सपोज दैट, वैसे ही मान लो एक व्यक्ति बैठा है ए यहां पर, एक व्यक्ति बैठा है बी यहां पर, सुनना मेरी बात खाली, ए जो है ना, ए वो इधर से मान लो है पांचवां या छठवां है जो भी मान लो, और बी इधर से है मान लो आठवां दसवां जो भी है, इनको ही मान लेता हूं मैं, कौन से बारहवां और 19वां लो, यही मान लेता हूं, समझा तो रहे ही अपन, मान लो कपूर है दाएं से बारहवां, दाएं से बारहवें नंबर पर बैठा है, यहां कौन है, कपूर, और इलायची बैठी है बाएं से 19वें नंबर पर, इसका नाम है इलायची, और बाएं से कौन से नंबर पर, 19वें पर, और कपूर कौन से पे, दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं। अब गहराई की बात यहां है, ध्यान से सुनना, दोनों परस्पर स्थान बदलते हैं, बदल लिए, इसका मतलब इलायची तो यहां आ गई कपूर के पास, और कपूर आ गया कहां, इलायची के स्थान पर, इलायची और कपूर आपस में स्थान बदल लिए,
अरे हाँ या ना। अब कह रहा है वो कि अब कपूर दाएं से 23वां है, कपूर येरा और दाएं से कौन सा है। अब मुझे एक बात बता दो, आप जितने विद्यार्थी बैठे हो एक बात बता दो कि यहां थी पहले इलायची और यहां था कपूर, कपूर यहां से यहां आया, आया नहीं आया, पहले 12वें नंबर पे था अब हो गया 23वां। तो जितने बच्चों को नाक करके या जितने बच्चों को बीच में छोड़ करके कपूर यहां से यहां आया है, क्या उतने ही बच्चों को छोड़ करके इलायची नहीं जाएगी क्या। अरे तुम मेरी तरफ आए 3 कदम चल के तो मैं भी तो तुम्हारी तरफ पहुंचूंगा, कितने कदम। अरे बीच में डिफरेंस तो बराबर है, बीच में मान लो यहां पर थे 10 बच्चे तो ये 10 को नाक के इधर आया कपूर, तो इलायची भी तो उधर जाएगी 10 को नाक के। भाई परस्पर स्थान बदलने का मतलब तो यही है कि बीच में व्यक्तियों की संख्या क्या रहती है, समान, हाँ या ना। अरे बीच में व्यक्तियों की संख्या क्या रहती है, समान, हाँ या ना। तो सोच लो जब कपूर का स्थान 12 से हो गया 23वां, मतलब कितना बढ़ गया कपूर का स्थान, 11, कितना बढ़ गया। तो इलायची भी 19वें नंबर से पहुंच जाएगी 11 स्थान बढ़ा करके कौन से पे, यही बात तो समझानी है। इन प्रश्नों में हमेशा यदि एक में वृद्धि है तो दूसरे में वृद्धि, एक में कमी है तो दूसरे में भी कमी होती है। क्यों? क्योंकि हमेशा बीच में व्यक्तियों का स्थान क्या होता है, समान, हमेशा बीच में व्यक्तियों का स्थान क्या होता है, समान। अब देखो येरा कपूर, येरा कपूर, कपूर का स्थान कितना बड़ा, 11। अरे 12वें पे था 23वें पे पहुंच गया, मतलब कितना बढ़ गया, 11। जब कपूर का स्थान 11 बड़ा है तो याद रखना इलायची का स्थान भी कितना बढ़ेगा, 11। तो इसका हो जाएगा 19 + 11 बराबर, तो बोलो कौन से स्थान पर है इलायची। क्लियर, एक नोट डाल के लिखो इस बात को, एक नोट डाल के लिखो इस बात को, समझ में आ रही है ना। क्लियर क्लियर, तो एक नोट डाल दो जल्दी से, और एक बार ऑनलाइन वाले विद्यार्थी जो देख रहे हैं वो भी बता दो, समझ में आ रही है ना चीजें। चलिए नोट डाल के लिखो, इन प्रश्नों में हमेशा वृद्धि और कमी समान होती है, इन प्रश्नों में हमेशा वृद्धि और कमी समान होती है, इन प्रश्नों में हमेशा वृद्धि और कमी समान होती है, क्योंकि इन प्रश्नों में हमेशा वृद्धि और कमी समान होती है क्योंकि क्योंकि बीच में व्यक्तियों की संख्या समान होती है, क्योंकि बीच में व्यक्तियों की संख्या समान होती है। क्लियर, बीच में व्यक्तियों की संख्या समान होती है इसलिए कमी और वृद्धि भी समान होती है। क्लियर सर, कोई डाउट। अरे कोई डाउट है क्या, कर लोगे। जितना कपूर बढ़ा उतना इलायची बढ़ेगी, जितना कपूर घटेगा उतनी इलायची। क्लियर, कोई डाउट। एक प्रश्न और बोल दूं, लिखो लिख लो जल्दी से। किसी कतार में राम दाएं से 154वां है, किसी कतार में राम दाएं से 154वां है, किसी कतार में राम दाएं से 154वां है, तथा सीता बाएं से 68वें स्थान पर है, तथा सीता बाएं से 68वें स्थान पर है, यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें, यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें, हां सर समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा, यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें तो सीता बाएं से
41वें क्रमांक पर रह जाती है, तो सीता बाएं से 41वें क्रमांक पर रह जाती है, तो सीता बाएं से 41वें क्रमांक पर रह जाती है। बताइए राम का दाएं से नया क्रमांक क्या होगा? बताइए राम का दाएं से नया क्रमांक, बताइए राम का दाएं से नया क्रमांक क्या होगा? क्या आएगा आंसर? 140। कितने घटे? अरे सीता सीता बोलो कितने कम हुए? 27 घटे। तो यहां भी कितने घटेंगे और कितना आएगा? 127। क्लियर? कोई डाउट? अरे हाँ या ना? आगे की बात करेंगे। चलिए सर करें स्टार्टिंग। कौन सा टॉपिक चल रहा था? रैंकिंग टेस्ट, मतलब कि क्रम व्यवस्था, है ना। और क्रम व्यवस्था में कल हमने कितनी टाइप पढ़ ली थी? 5 हो गई थी कंप्लीट। छठवीं टाइप लिखिए प्रकार 6। 5वीं टाइप यही पढ़ाई थी क्या? स्थान परिवर्तन के बाद दाएं या बाएं से स्थान, प्रकार 6 लिखिए। टाइप 6 लिखो। प्रकार 6 में लिखो स्थान परिवर्तन के बाद बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। स्थान परिवर्तन के बाद बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। अगली टाइप है 6वीं। आज खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। स्थान परिवर्तन के बाद बीच में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। एक सवाल मैं समझा रहा हूं आपको, है ना, नोट करो। सवाल बोल रहा हूं एक, वो मैं समझाऊंगा फिर आपको दूंगा करने के लिए। लिखिए पहला क्वेश्चन लिखो। एक कतार में राम दाएं से, एक कतार में राम दाएं से 19वां है। एक कतार में राम दाएं से और श्याम बाएं से 13वां है। एक कतार में राम दाएं से 19वां है तथा श्याम बाएं से 13वां है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग पागल अंजलि, प्रियांशु, है ना, सभी का स्वागत है। चलिए देखिए, राम दाएं से कौन सा है? 19वां, और श्याम बाएं से 13वां है। राम दाएं से 19वां है और श्याम बाएं से 13वां है। यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें, यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें, यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें, तो राम दाएं से 24वें क्रमांक पर हो जाता है। यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें तो राम दाएं से 24वें क्रमांक पर हो जाता है। कौन से क्रमांक पर? 24वें क्रमांक पर हो जाता है। 24वें क्रमांक पर हो जाता है। बताइए दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं? बताइए दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं? ऑप्शन ए, दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ए में लिखिए 5, 6, 7 और 8, ये ऑप्शन है।
एक मिनट, चार लिख दो नीचे, 5, 6, 7 और 4। अब सुनिए सर ढंग से, जब मैंने आपको तीसरी टाइप पढ़ाई थी तो तीसरी टाइप में तीन कंडीशन कराई थी। एक, जब दिशा समान हो, जब दिशा समान होती थी तो क्रमांकों का योग माइनस। दूसरी, जब दिशा विपरीत हो, जब दिशा विपरीत होती थी तो क्या होता था, याद करो, कुल माइनस क्रमांकों का योग। और तीसरी, जब दिशा विपरीत हो और क्रॉस की स्थिति हो, कैसी स्थिति हो, तो होता था क्रमांकों का योग माइनस कुल प्लस 2, यही होता था। ठीक है, अब अपन बात करें, इस सवाल में पूछा गया है बीच में व्यक्तियों की संख्या, कहां बीच में व्यक्तियों की संख्या, यही पूछी है ना। एक बार डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं सर। मान लो ये डायग्राम है, ये हो गया बायां, ये हो गया दायां। राम बैठा है दाएं से 19वां है, मान लो राम यहां है, और ये स्थान कौन सा है, दाएं से 19वां। यहां बैठा है श्याम, कौन बैठा है, श्याम, बाएं से कौन सा है, 13वां। दोनों ने स्थान बदल लिए, बदल लिए, श्याम आ गया यहां, राम आ गया यहां, आ गया। अब कह रहा है, अब राम दाएं से 24वां है, दाएं से 24वां है राम, है या नहीं है। पहले कौन सा था, 19वां, अब कौन सा हो गया, कितने बच्चे हैं बीच में, देखो 19 के बाद 20, 21, 22, 23 और 24 में पति है ही है, तो कितने व्यक्ति हैं बीच में, 4। या तो ऐसे डायग्राम बनाओ, या फिर याद रखना, देखना राम का दोनों बार एक ही तरफ से स्थान है या नहीं है, मतलब दिशा समान हो गई, तो अपन वो भी लगा सकते हैं फॉर्मूला। कौन से वाला, कौन से वाला फॉर्मूला याद है, जब भी दिशाएं समान होती हैं तो क्रमांकों, क्रमांकों का अंतर माइनस 1। बोलो समान दिशा कौन सी है, दाएं और, अरे दोनों दाएं से है ना, तो दाएं वालों का अंतर निकालो, बोलो कितना आया, 5, माइनस 1, बोलो तो कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, 4 आदमी थे। बोलो आई बात समझ में, अरे यहां तो कोई दिक्कत, जल्दी से नोट करो, एक सवाल लिखो, कर लिया करो। अमित सेजवाल, अमित सेजवाल, जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा भैया, और चलिए चले आगे, नोट कर लिया, आगे चलते हैं सर। करना क्या है पता चल गया ना, स्थान परिवर्तन के बाद जब भी पूछा जाए बीच में व्यक्तियों की संख्या, तो करना क्या है, जिनकी दो की एक ही दिशा हो, दायां और दायां, समान दिशा वाले ले लिए, क्रमांकों का अंतर 5 - 1 = 4, कितने आदमी दोनों के बीच में, 4 आदमी। अगला प्रश्न लिखो, सेकंड क्वेश्चन, किसी कतार में, किसी कतार में, किसी कतार में मोहित, किसी कतार में मोहित आगे से 72वें स्थान पर है, किसी कतार में मोहित आगे से 72वें स्थान पर है, जबकि शीला, सर मैं महक हूं, हां महक समझ गया मैं, चलिए मोहित आगे से 72वें स्थान पर है, तथा मीरा, मीरा उसी कतार में पीछे से 82वें क्रमांक पर है, तथा मीरा उसी कतार में पीछे से 82वें क्रमांक पर है, 82। यदि ये दोनों 82वें क्रमांक पर है, यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लें, यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लें, यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लें, तो मीरा, यदि ये दोनों आपस में अपने स्थान बदल लें तो मीरा पीछे से
107वें क्रमांक पर हो जाती है। यदि ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लें तो मीरा पीछे से 107वें क्रमांक पर हो जाती है। बताइए मोहित और मीरा के मध्य कितने व्यक्ति हैं? शाबाश, ऑप्शन ए 24, 25, 23 एंड नन ऑफ दीज। अरे कितने आदमी थे? ऑप्शन ए, बहुत अच्छा। चलिए देखिए, बिल्कुल पागल 24 सही है यार। अपना नाम बदल यार, दैट्स नॉट फेयर। पागल की भी पावर 001, तो कम से कम नाम तो ऐसा जो ले तो हमें भी अच्छा आनंद महसूस हो, है ना। चलिए ठीक है, देखिए मोहित आगे से कौन से क्रमांक पर है? 72वें पर। मीरा पीछे से 82वें क्रमांक पर है, और जब स्थान बदल लेते हैं तो मीरा का पीछे से कौन सा क्रमांक हो जाता है? 107वां। मैंने आपको बताया जब भी बीच में व्यक्तियों की संख्या पूछे, क्रमांकों का अंतर माइनस एक, तो समान दिशा हो गई। अरे आ जाना, क्रमांकों का अंतर माइनस एक आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अगली टाइप लिखो प्रकार सात। प्रकार सात सार्थक क्रम पर आधारित, प्रकार सात और क्या नाम लिखना है? सार्थक क्रम पर आधारित प्रश्न। प्रकार सात सार्थक क्रम पर आधारित प्रश्न। सार्थक क्रम पर आधारित प्रश्न, सर ध्यान से देख लेना, एक प्रश्न 100% आएगा इसमें से। एक प्रश्न 100% आएगा, हर साल आता है, और दो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न हर साल आता है, दो भी हो सकते हैं। देख लीजिए एक बार, करें स्टार्टिंग। देखो सार्थक क्रम पर आधारित प्रश्न है, इसमें होता क्या है वो सुनो आप। इसमें चार या पांच शब्दों का एक समूह दिया जाएगा और उन शब्दों को हम उनके क्रम के हिसाब से जमाएंगे। अब डिपेंड करता है ऑप्शन पे, हो सकता है वो आरोही क्रम में हो, सकता है वो अवरोही क्रम में हो, या फिर वो किसी क्रम में हो। जैसे सुनना मेरी बात, है ना, मैंने एक चार वर्ड लिए, पहला लिया, समझ लो पहले, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। सबसे पहले मैंने लिया रात, फिर लिया दोपहर, फिर लिया प्रभात, प्रभात या सुबह का समय मतलब उषा काल, फिर ले लिया संध्या। ये चार शब्द लिए, अब हमें कैसे जमाने? सार्थक क्रम के आधार पर। तो सुनना, वास्तव में सार्थक क्रम इनका क्या हो सकता है, है ना, डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे। जैसे हम यहां कर सकते हैं शुरुआत कहां से? प्रभात से, सुबह से। सबसे पहले क्या हुई? सुबह हुई, फिर सुबह के बाद क्या होगी? दोपहर, मतलब दो नंबर, पहले तीन नंबर फिर दो नंबर, दोपहर हुई। दोपहर के बाद क्या हुई? संध्या, मतलब शाम का समय चार, और फिर रात हुई एक। ये तो हो गया इसका सार्थक क्रम से आंसर, क्लियर। अब ऐसा भी कई प्रश्नों में देखा जा सकता है कि ऑप्शन ही नहीं मिले, आपने निकाल दिया आंसर। क्या सबसे पहले क्या हुई? प्रभात सुबह, फिर उसके बाद दोपहर, फिर संध्या और फिर रात्रि। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये आपको मिल ही जाए, हो सकता है ये ऑप्शन में ना हो। और यदि ये ऑप्शन में ना हो तो क्या करना है वो सुन लो सर। जब ये ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करना है, तो उसके लिए सुनो, हो सकता है आपको ऑप्शन में कुछ और मिले, तो ऐसे मिल सकता है कि इनका क्रम याद रखना है आपको, सिक्वेंस। हो सकता है वो स्टार्टिंग करे कहां से? रात से, पहले रात हुई, रात के बाद क्या हुई? सुबह हुई, सुबह के बाद दोपहर हुई, और दोपहर के बाद एक तीन दो चार, वही है। हो सकता है ये ऑप्शन में नाम ले, वो तीन से शुरुआत कर ले, मतलब प्रभात सुबह हुई, फिर दोपहर हुई, फिर संध्या और फिर रात्रि। हो सकता है वो दोपहर से शुरुआत कर ले, दोपहर हुई, फिर संध्या, फिर रात और फिर सुबह हुई,
कहने का मतलब क्रम आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? क्रम आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ज्यादातर तो यह ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मतलब सार्थक क्रम वाला। क्लियर है सर? समझ में आगे करना क्या है, स्टार्टिंग करें। चलिए लिखिए पहला प्रश्न। मधु राजा उत्तम राम राम। चलिए राम राम सभी को, है ना? उत्तम वैसे ही कर लिया कर। चलिए लिखिए पहला प्रश्न, पहला प्रश्न लिखिए। मैं शब्द लिख रहा हूं, आपको सार्थक क्रम बताना है बस। पहले प्रश्न में लिखो नंबर एक, सिलाई करना। नंबर दो, पहनना। नंबर तीन, काटना। नंबर चार, नापना। बोलो क्रम क्या होगा? शाबाश। सार्थक क्रम जो होगा, इनका जो सार्थक क्रम होगा वो क्या होगा? चार तीन, गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या होगा बोलो? देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? नापेंगे। नापने के बाद क्या करेंगे? काटने के बाद फिर हम क्या करेंगे? समझ में आई बात? इस तरीके से करना है, कर लोगे ना? कोई दिक्कत? अगला करके बताओ। बिल्कुल राजा मधु एक्सपेरिमेंट किंग उत्तम, सबका सही है बेटा, सबका सही है। एक बार और देखो अगला क्वेश्चन, सेकंड सेकंड क्वेश्चन में हम बात करें नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार। ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये आपके एग्जाम में भी आया था, बीएसटी का जो टेस्ट लिया था अपने, टेस्ट सीरीज। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में भी आया था, ठीक है? और ये क्वेश्चन मैं हर बार कराता भी हूं। तो लिखो नंबर एक, मैं लिखो तितली उड़ी। नंबर दो में सुंडी। नंबर तीन कोपा। नंबर चार अंडा। क्रम जमाना है, ऑप्शन दे रहा हूं ए, चार तीन दो एक, बी चार दो तीन एक, सी एक एक चार तीन दो, डी चार तीन दो एक, चार तीन एक दो। इस हिसाब से चलिए सर, एक्सपेरिमेंट किंग ए। सर जी अब सुनिए, अब हमें इन्हें सार्थक क्रम में जमाना है। इसके लिए हमें इनका सीक्वेंस क्या है, इनका अर्थ भी तो पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए इनका अर्थ? कैसे? देखो बिल्कुल बी बी बी, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं बी। चार दो तीन एक, बिल्कुल कृष्णा सिंसन वार राजा। अच्छा सब यहीं आ गए अब, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है ना, सभी सही उत्तर दे रहे हैं। देख लो सर जी, सबसे पहली बात क्या होगा? सबसे पहले होगा अंडा। क्या होगा? अंडा मतलब चार। अंडे के बाद अंडा फूटेगा और अंडे में से निकलेगा क्या? सुंडी। क्या निकलेगा? सुंडी, जिसको कहते हैं इल्ली। और नहीं देखी हो तो देख लो, आपने कभी कभी गोभी खाई होगी, फूल गोभी। उसमें एक सफेद सफेद सी इतनी लंबी रहती है, वो खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगती है, जिसको कहते हैं इल्ली। क्या कहते हैं? अच्छा वो जो गिडार टाइप की होती है ना, जिसको गिडार कहते हैं अपन लोकल लैंग्वेज में, वो वास्तव में तितली है, नहीं बनी तितली। अंडा दिया तितली ने, अंडा फूटा, अंडे में से निकली वो गिडार, है ना, जो चलती है। वो क्या करेगी? वो गोभी को खा खा के मेरी तरह हो जाएगी, मतलब मोटी हो जाएगी, चर्बी बढ़ाएगी अपने अंदर। क्या बढ़ाएगी? तो वो जो अवस्था है, तो अंडे के बाद कौन आई? इल्ली आई, सुंडी आई, गिडार आई। ये अब सुनो, जब ये अपने अंदर इकट्ठा कर लेगी माल मसाला, तो ये क्या करेगी? ये ढूंढेगी किसी पेड़ की तने की कोई टहनी,
और वहां चढ़ते चढ़ते एक जगह पर जाके चिपक जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ों पर चिपके हुए रहते, एक निश्चित समय तक वो वहां चिपकी रहेगी और अंदर ही अंदर उसके तितली बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। कुछ समय बाद वो जो खोल है ना बाहर का सूख जाएगा बिल्कुल। सूखने के बाद वो जो खोल है जिसको अपन कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कोपा, क्या कह रहे हैं कोपा है वो अवस्था, वो खोल फटेगा और उसमें से कौन निकलेगी एक सुंदर सी, कौन निकलेगी। तो ये है बेटा इनका क्रम। तो याद रखना तितली के बनने की क्या है ये अवस्था। पहली बार प्रश्न पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2016 में और उसके बाद तो मन चाहे जहां पटक देते हैं इसको। क्लियर। तो ये एक क्रम है कि पहले क्या हुआ अंडा, अंडे से सुंडी, सुंडी से कोपा, कोपा से बोलो क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। चले आगे, अगला प्रश्न क्या कहता है, क्या कहता है अगला प्रश्न तीसरा। एक दो तीन चार, नोट कर रहे हो साथ के साथ, चलिए बहुत अच्छा लिखो फिर। प्रेषण, प्रेषण, प्रेषण लिख लिया। प्रेषण के बाद लिखो दूसरे नंबर पे कूटबद्ध करना। कूटबद्ध करना आगे लिखो, कूटबद्ध के बाद आदान, आदान और कूटानुवाद और जमाओ इनका क्रम। ऑप्शन दूं क्या, ए 24 31, बी 42 31, सी 43 21, डी 34 21। प्रश्न आपके आगे है और आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए जल्दी से नोट करके बताओ फटाफट से क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट से आंसर क्या आएगा। एक्सपेरिमेंट किंग, उत्तम, मधु है ना, राजा, कृष्णा, दीपक, सी आ रहा है सर, ठीक है। चलिए एक आंसर आ गया सी, ए आ गया और एक और रह गया डी। चलिए जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं, पहले सुनना, क्या आप में से कोई बताएगा ये प्रक्रिया है कौन सी। ये प्रेषण, कूटबद्ध करना, आदान करना और कूटानुवाद करना, सुनना मेरी बात। आपने कभी पुराने जमाने में पुरानी टीवी में कोई पुरानी पुरानी मूवी देखी होगी, उस पुरानी पुरानी मूवी में कोई पुराना पुराना नेता आता है, उस पुराने पुराने नेता के आगे पुराना पुराना भाषण होता है और पुराने पुराने भाषण को लिखने के लिए पुराने पत्रकार होते हैं और वो हाथ में एक डायरी और पेन लेके बैठे रहते हैं। देखा है, एक नेता भाषण दे रहा है, उसके सामने कुछ पत्रकार बैठे हैं, जब रिकॉर्डिंग तो चले ना ही कैमरा वैमरा, तो काले के बैठे हुए, एक डायरी छोटी सी और एक पेन। नेता स्पीड स्पीड से भाषण दे रहा है कि पाकिस्तान हमारा है ना, अफगानिस्तान भी हमारा है और जितने भी ये स्थान स्थान लग रहे हैं सब कौन के, हिंदुस्तान के, ठीक है। अब वो इतनी स्पीड से भाषण दे रहा है तो बंदा पूरी बात तो लिखेगा नहीं, तो वो कोड लैंग्वेज में लिखते थे, पहले पत्रकारों की एक अपनी लैंग्वेज होती थी, कोड लैंग्वेज में लिखते थे, ठीक है, कोड लैंग्वेज में लिखते थे, क्लियर, कोई डाउट। तो उसको लिखना कहते थे हम कूटबद्ध करना, कोड़ों में कैसे लिखते थे, कोड बना बना के, है ना, और कोड बना बना के लिख ली मतलब कूटबद्ध कर लिया, पहले क्या कर लिया कूटबद्ध। तो सबसे पहले काम होगा इसमें से क्या, कूटबद्ध करना, ये रहा। कूटबद्ध करने के बाद, कूटबद्ध करने के बाद फिर अब पत्रकार महोदय भाषण खत्म हो गया, उन्होंने पूरा डायरी में छाप दिए चित्र से, कूटबद्ध कर लिया, अब घर जाएंगे पहले उसका क्या करेंगे अनुवाद, कि वास्तव में भाषण है क्या, अभी तो कोलन में लिख के ले गए, फिर घर जाके उसका अनुवाद होगा, मतलब कि कूटानुवाद। तो आएगा फिर नंबर चार, अब तो आगे बता लू ना, एक ही उत्तर है 24 31 ए पर। चलो
कूटानुवाद हुआ, कूटानुवाद के बाद होगी आदान। आदान मतलब उस चीज की प्राप्ति की लिख क्या रहा है, अनुवाद कर लेंगे जब भी पता चलेगी भाषण को सार का है, और प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद होगा प्रेषण। प्रेषण मतलब क्या होता है, छापना। अरे अखबार में तो जब ही छपेगा जब पता चल जाएगी भाषण ई हो, सबसे पहले कूटबद्ध करना, कूटानुवाद, फिर आदान और फिर प्रेषण। उत्तर आएगा ए 2431। बोलो कोई डाउट किसी को, 2431 किसी को कोई डाउट यहां तक है क्या? चलूं आगे, लिखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखो, खत्म होने के कगार पर है ये टॉपिक। लिखो वर्षा, कौन? वर्षा, धूप, वाष्प, बादल, ये वही है रेन सिस्टम जिसको बोलते हैं, रेनी सिस्टम है ना, वर्षा का जो तंत्र है वो है ये। वर्षा, धूप, वाष्प और बादल, मैं आपको यहां ऑप्शन दे रहा हूं, आप उत्तर बता देना। ए 2341, बी 3421, सी 1234, डी 4123। क्या आएगा सही आंसर? कृष्णा कुमार ए, अंजू बहज, चलिए अनुज बैज है ना, तो उत्तम ए एक्सपेरिमेंट किंग। चलिए बहुत अच्छा, एक बार देख लो बेटा, एक बार देख लो बिना डिस्टर्बेंस के। सबसे पहले क्या होगा, देखिए पिक्चर जादू, धूप, कौन सी धूप? ये वाली धूप। जब धूप पड़ेगी, जब धूप पड़ेगी तो जहां जहां पानी होगा वो वाष्पीकृत होगा, मतलब वाष्प बनेगी, तो क्या बनेगी? वाष्प। फिर वाष्प जो है वो बादलों में इकट्ठा होगी तो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? और बादल के बाद होगी जमाजम, जमाजम क्या होगी? बोलो यहां तक कोई डाउट क्लियर है? अरे कोई डाउट है क्या किसी को? हाँ या ना? नहीं है ना? चलिए तो फिर आगे लिखो विविध। ठीक है, चलिए है ना, चले आगे सर। तो आगे लिखो लास्ट टाइप इस टॉपिक की, प्रकार 8, टाइप 8, और टाइप 8 डालो विविध। रैंकिंग टेस्ट खत्म है विविध लिखने के बाद, और विविध में लिखो प्रश्न। विविध में क्या लिखो? प्रश्न। सर जी विविध में हम प्रश्नों की बात करेंगे, लिखिए पहला प्रश्न, पहला प्रश्न लिखो। और इसमें अलग अलग तरह के प्रश्न आएंगे कि एक दूसरे की तरफ खिसक जाएं या ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। जैसे पहला प्रश्न लिखो, राम किसी कतार में, राम किसी कतार में, पहला प्रश्न।
राम किसी कतार में दाईं ओर से 20वें स्थान पर है? राम किसी कतार में दाईं ओर से 20वें स्थान पर है तथा तथा उसी पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 30वें स्थान पर है। उसी पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 30वें स्थान पर है। उसी पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 30वें स्थान पर है। 30वें स्थान पर है। यदि 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 दोनों के मध्य कुल छात्रों के यदि दोनों के मध्य कुल छात्रों के एक तिहाई छात्र बैठे हों, यदि दोनों के मध्य कुल छात्रों के एक तिहाई छात्र बैठे हों, यदि दोनों के मध्य कुल छात्रों के एक तिहाई छात्र बैठे हों, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? दोबारा सुन लो। राम किसी कतार में दाईं ओर से 20वें स्थान पर है, उसी कतार में मोहन बाईं ओर से 30वें स्थान पर है। यदि दोनों के मध्य कुल छात्रों के एक तिहाई छात्र बैठे हैं, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? मुन्ना मेरे देखो सामने, ये है वो पंक्ति, ये है वो पंक्ति, ये बायां और ये दायां, यहाँ कोई बैठा है, कौन? दाएं से राम बैठा, राम बैठा है। दाएं से कौन सा है? 20वां। अच्छा, इधर कौन बैठा है? मोहन। बाएं से कौन सा है? 30वां। और एक बात कह दी, क्या कह दी? कि दोनों के बीच में जो व्यक्ति है ना, वो कुल छात्रों के कितने? एक तिहाई। कुल छात्रों के कितने? एक तिहाई, जो इनके बीच में बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, पहले तो ये बताओ, अगर किसी चीज में से एक तिहाई गया तो क्या बचा? क्या बचा? अरे दो तिहाई बचा। अरे ध्यान से सुन लो मेरी बात, सुनो, ऐसा मत करना गुरुजी, एक में से घटाऊंगा, लघुत्तम एक, लघुत्तम तीन, बराबर तीन एकम तीन, माइनस तीन एकम तीन, एक बराबर दो बटे तीन, ना इतना समय नहीं है, सीधा सीधा करना है। क्या? सुनो ध्यान से, जो भी कोई भिन्न होती है उसमें ऊपर वाला हिस्सा होता है उपयोग में लिया गया भाग, किसमें लिया गया? उपयोग। नीचे होते हैं हमेशा कुल भाग। क्या होते हैं? हमेशा कुल भाग। अब एक बटे तीन है या मतलब कुल हिस्से कितने? कुल हिस्से कितने? और काम में कितना लिया? एक। इसका मतलब बचे कितने? दो बटे में, किसी में से हमने पांच बटे सात घटाया तो क्या बचा? सात में से पांच गए, दो बटे सात। कहीं हमें ग्यारह बटे तेरह घटाना है, क्या बचेगा? दो बटे तेरह, क्या बचेगा? बताओ, कोई डाउट यहां तक? अरे कहीं हमें कोई भिन्न घटानी पड़ जाए, घटा लोगे? अगर कहीं हमें आ जाए आठ बटे पंद्रह गया किसी संख्या में से, क्या बचा? आठ बटे पंद्रह गया तो पंद्रह में से आठ गए, कितने बचे? बटे में सात बटे पंद्रह बचा। ऐसा नहीं है एक लिखो, माइनस करो, लघुत्तम लो। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अब सुनो सर, नहीं है कोई डाउट तो सुन लिया करो बात फिर, है ना? बात यह है कि सर वो कह रहा है कि दोनों के बीच में कितने बैठे? एक तिहाई। इसका मतलब ये जो बचे हैं, ये वाले और ये वाले, ये मिला के कितने हैं? दो तिहाई। एक तिहाई बीच में, तो ये बचे कुछ कितने? दो तिहाई। बचे कुछ हैं कितने? तीस तो ये और बीस ये, तो बीस और तीस और ये पचास जो है वो मिला के कितने? दो तिहाई। कितने हैं ये? दो तिहाई। तो कुल छात्र कितने हो गए मुन्ना? कुल छात्र क्या हो गए बताओ? इधर ले जाओ इसको, तो क्या हो जाएगा? पचास गुणा में क्या जाएगा? तीन बटे में दो, दो से काटा पच्चीस, पच्चीस थी पिछहत्तर, बात खत्म। कुल छात्र कितने? बोलो, कोई डाउट? अब एक बात और सुन लो दोबारा, भले ही उसने कहा कि मोहन इधर से
तीसवां है, राम इधर से बीसवां है, और दोनों के बीच में कितने छात्र हैं? एक तिहाई, तो बचे कितने? दो तिहाई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दो तिहाई छात्र हैं कौन? जो ये बचे हैं। बचे कितने? 20 और 10, 20 और 30, 50। जब दो तिहाई बराबर है 50 के, तो कुल छात्र निकाल दो। कुल छात्र क्या आएंगे? 3 जाएगा उधर गुणा में, अरे हाँ या ना, बटे वाली चीज गुणा में, और जो गुणा में वो बटे में। 2 से काटा 25 और 25 थी। बोलो कोई डाउट है क्या? अरे है क्या? नहीं है ना, उतार लो और अगला सवाल लिखो। इसी तरीके से सीखते रहो चीजों को। एक और ऐसा ही सवाल करा रहा हूं। चलिए सर, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है ना, आगे चले। चलिए सर, क्लियर है सवाल? अगला लिखो, सेम टू सेम ऐसा ही। किसी कतार में राधा दाएं से 29वें क्रमांक पर है। किसी कतार में राधा दाएं से 29वें क्रमांक पर है। किसी कतार में राधा दाएं से 29वें क्रमांक पर है। और मीरा बाएं से 34वें क्रमांक पर है। और मीरा बाएं से 34वें क्रमांक पर है। यदि इन दोनों के मध्य कुल छात्रों के 1/4 छात्र बैठे हों, यदि इन दोनों के मध्य कुल छात्रों के 1/4 छात्र बैठे हों, यदि इन दोनों के मध्य कुल छात्रों के 1/4 छात्र बैठे हों, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र? ऑप्शन ए 63, बी 84, सी 56, डी 72, ई इनमें से तो कोई नहीं। जल्दी से बता दो सर, क्या आएगा आंसर? चलिए, इतने सारे उत्तर आ रहे हैं दीपक के, मुकेश अंबानी के, अर्जुन कौन कौन के, 84 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? 84। सबका आ गया क्या? सबका आया आंसर? बताया मैंने आपको अभी, क्या बताया? देखो सर, दोनों के मध्य कितने? 1/4। इसका मतलब शेष कितना बचा? अरे शेष जो बचे हैं वो कितने? 3/4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भाई 1/4 गए तो बचे कितने? 3/4। 4 में से 1 घटा दिया, 3/4। अब 3/4 है शेष, तो शेष है कितने? इनको जोड़ना 63। इसका मतलब 3/4 बराबर किसके? 63 के। तो कुल छात्र 63 गुणा में 4/3, 21 63, 21 चौक। ऑप्शन नंबर बी। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? चलूं फिर अगले तरीके के प्रश्न पे, जो वैसे नहीं आते। हाँ उतार लो, जो वैसे नहीं आते वो विविध में आ जाते हैं। कहां आ जाते हैं? विविध में।
कोई भी प्यारा विद्यार्थी जो कमेंट कर रहा है वो बड़े ध्यानपूर्वक कमेंट करे, कहीं ऐसा ना हो हमेशा हमेशा के लिए आपका चैनल ब्लॉक। नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, अच्छी अच्छी कमेंट आ रही है। मुकेश अंबानी जी बोल रहे हैं अनकन प्रॉब्लम, पता नहीं क्या लिख रहा है। हाँ मतलब कहीं हंसी हंसी में मजाक हो जाए। चलें आगे, चलिए तैयार है ना। चलो देखो, एक तो ये इस टाइप के सवाल हो गए है ना, बीच में व्यक्तियों की संख्या देता है, एक त्याई है, दो त्याई है, तीन बटे पांच है, चार बटे सात है, और कुल पूछ लेता है। ठीक है, एक सवाल वो होते हैं जिनमें क्रमांक देता है, जैसे लिखो तीसरा क्वेश्चन, लिखो तीसरा क्वेश्चन लिखो, और तीसरे क्वेश्चन में लिखिए सर तीसरे क्वेश्चन में लिखिए दस लड़कियों तथा बीस लड़कों की एक कक्षा में, दस लड़कियों तथा बीस लड़कों की एक कक्षा में, गर्ल्स कितनी है दस और बॉयज कितने हैं बीस, तो दस लड़कियों और बीस लड़कों की एक कक्षा में, आगे लिखो दस लड़कियों और बीस लड़कों की एक कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा है, जया का स्थान, जया का स्थान लड़कियों में चौथा है, चौथे नंबर पर आती है लड़कियों में, और कक्षा में अठारहवां है, लड़कियों में चौथा है और कक्षा में अठारहवां है, तो बताइए जया का केवल लड़कों में, तो बताइए जया का केवल लड़कों में कौन सा स्थान है, तो बताइए जया का केवल लड़कों में ऊपर से कौन सा स्थान है, तो बताइए जया का केवल लड़कों में ऊपर से कौन सा स्थान है। लिख दिया सर, अब देख लो सामने ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, करना क्या है कुछ नहीं करना, करना क्या है कुछ नहीं करना, एक क्लास ले ली हमने पूरी, क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं भैया 30, कितने मतलब बॉयज तो हैं 20 और गर्ल्स हैं, ठीक है। अब इस क्लास में मान लो यहां पर बैठी है, कौन बैठी है जया, कौन बैठी है यहां, अब एक बात कही उसने कि जया का जो स्थान है ना वो क्लास में मतलब कक्षा में कौन सा है 18, इसका मतलब जया से ऊपर कितने छात्र हैं, कितने छात्र हैं, जया से ऊपर 17 स्टूडेंट और हैं। भाई जया का क्लास में 18वां स्थान है तो क्लास में कितने विद्यार्थी और हैं इससे ऊपर 17 हैं या नहीं है, अरे हाँ या ना, ठीक है। अब इन 17, अब देखो एक और बात कह दी, जया का स्थान किस में, लड़कियों में कौन सा है, अब लड़कियों में चौथा है, गर्ल्स में इसका स्थान है चौथा, इसका मतलब इससे पहले लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां कितनी हैं इससे पहले, कुल छात्र तो है इससे पहले 17 और तीन क्या है लड़कियां, क्योंकि चौथे नंबर पर है जया। अब पूछा है जया का स्थान केवल लड़कों में, तो एक बात बताओ 17 छात्र थे इनमें से तीन लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचे, 17 इनमें से तीन लड़कियां गई कितने बचे 14 लड़के बचे, लड़के कितने 14, तो इसका मतलब लड़कों में जया का स्थान कौन सा होगा, कौन सा होगा 15वां, इससे ऊपर 14 लड़के हैं तो जया का स्थान हो जाएगा लड़कों में 15वां। बोलो कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है, नोट कर लो, मतलब सबसे शानदार सबसे इजी अगर कोई टॉपिक है रीजनिंग का तो ये है। चलिए आगे चलें,
एक बार क्यों, 5 बार समझो सर, घर की बात है। देखो सर, ये क्लास, और इस क्लास में बॉयज कितने हैं, 20, गर्ल्स कितनी हैं, 10। और इस क्लास में हमने एक लड़की को देखा, और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे कौन बैठी है, जया। और जया का स्थान कक्षा में कौन सा, 18वां। मतलब जया से ऊपर बच्चे कितने हैं, स्टूडेंट कितने, 17। जया 18वें नंबर पे आ रही, ऊपर से, मतलब जया से ऊपर कितने विद्यार्थी हैं, 17। ठीक है, अब कहा कि लड़कियों में चौथे स्थान पर है जया, तो इसका मतलब ऊपर लड़कियां कितनी हैं, 3। 17 बच्चों में से 3 लड़कियां हैं, तो बॉयज कितने बचे भैया, 14। और जब इससे ऊपर 14 बॉयज हैं, तो ये कौन से नंबर पे आएगी, 15वें नंबर पे। तो जया का केवल लड़कों में 15वां स्थान है, जया का केवल लड़कों में कौन सा स्थान है, 15। क्लियर, कोई डाउट, लिखा दूं एक और, लिखो ऐसा ही लिखाऊं या चेंज कर दूं, ऐसा ही सरल सा लिखो। लिखो सर, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखो जल्दी से। राम तथा श्याम किसी पंक्ति में दाएं तथा बाएं से, राम तथा श्याम किसी पंक्ति में दाएं तथा बाएं से, राम तथा श्याम किसी पंक्ति में दाएं तथा बाएं से, 13वें व 11वें क्रमांक पर है, 13वें व 11वें क्रमांक पर है। दोबारा सुन लो, राम तथा श्याम किसी पंक्ति में दाएं तथा बाएं से क्रम से 13वें व 11वें क्रमांक पर हैं। चलिए, कमेंट आना इस तरीके से बंद हो जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। मुकेश अम्बानी जी, आपकी अंतिम कमेंट है, एक जियो की सिम दिलवा देना, दिलवा सको तो। हाँ, बाकी ठीक है, आगे चलें फिर। चलो, कमेंट वास्तव में शानदार है। आगे लिखिए, 13वें व 11वें क्रमांक पर है, यदि राम श्याम की ओर, यदि कौन, राम श्याम की ओर 6 स्थान और खिसक जाए, यदि राम श्याम की ओर 6 स्थान और खिसक जाए, यदि राम श्याम की ओर 6 स्थान और खिसक जाए, तो राम बाएं से 17वें स्थान पर आ जाता है, तो राम बाएं से 17वें स्थान पर आ जाता है, यदि राम श्याम की ओर 6 स्थान और खिसक जाए, तो राम बाएं से 17वें क्रमांक पर आ जाता है। बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 43। जल्दी से कर दो सर, कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दो, कमेंट पड़ी है खाली, जल्दी से उत्तर दे दो, क्या आएगा आंसर। शाबाश, गुड, बहुत अच्छे। किंग ऑफ मिर्जापुर, बी 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 बी, राम कुमार बी, उत्तम सिंह बी बी, दीपक 3-5, कितने आदमी थे, 3-5। चलिए, राम दाएं से 13वां, और श्याम बाएं से 11वां। राम श्याम की तरफ 6 स्थान और खिसक जाए, एक बार बेसिक में समझाता हूं, तब तुम्हारी समझ में बैठेगा।
ये बायां है और ये राम बैठा है दाएं से यहां, ये कौन है? भैया राम। कौन से नंबर पे? इधर श्याम बैठा है 11वें नंबर पे। यहां कौन है और ये कौन सा नंबर? आगे कह रहा है राम जो है ना, राम श्याम की ओर 6 स्थान और खिसक जाए। अब सुनना बात को, राम मान लो 6 स्थान खिसक के यहां आ गया श्याम की ओर, तो ये राम यहां से कौन से स्थान पर आ गया बताओ? 13 पे तो था ये, 6 और खिसक गया, 13 और 6 19वें नंबर पे आ गया, नहीं आ गया? अरे हाँ या ना, 19वें नंबर पे आ गया ना। इसके अलावा बात करते हैं, एक मिनट रुको, चलो हेलो, 19वें नंबर पर आ गया, इधर से आ गया, क्लियर है? अब कह रहा है वो राम बाएं से 17वां, बाएं से मतलब इधर से 17वां। बोलो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? याद है मैंने पहले ही एक बात बताई थी, यदि किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान पता चल जाए तो हम कुल व्यक्ति संख्या निकाल सकते हैं, हाँ या ना? निकाल दो। देखो दोनों को जोड़ेंगे, क्रमांकों का योग 17 प्लस 19, बोलो कितना हुआ? 36 माइनस 1, बोलो कितना आया? आंसर क्या आएगा? अरे आंसर क्या आएगा बोलो, क्लियर है क्या? अच्छा ऐसे जितने भी आए सवाल तो याद रखना, राम कितने स्थान खिसका है? 6, तो सीधा सीधा कर देना, 13 और 6 19वें नंबर पर राम आ गया, और इधर से राम कौन से पे? 17 पे, तो 19 और 17 36 माइनस 1 बराबर 35। डायग्राम बनाओ मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा सीधा भी कर सकते हो सवाल को। दोबारा देख लो कैसे कर सके। देखो पहले राम दाएं से कहां था? 13वां, 6 स्थान खिसक गया श्याम की ओर, तो अब हो गया 13 और 6 19वें नंबर पर हो गया, और राम दाएं से 19वां है और बाएं से कौन सा है? 17वां। तो क्या करते हैं, याद है क्रमांकों का योग 17 प्लस 19 बराबर 36 माइनस 1 बराबर 35, तो कितने आदमी थे? 35 थे। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत है सर? क्लियर है क्या? हाँ के ना। चलिए मेरी तरफ से टॉपिक समाप्त हुआ, कौन सा नाम बताओ, कौन सा टेस्ट? अब आपकी बारी है सर, आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। कोई भी विद्यार्थी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम के आधार पर, मेरी तरफ से रैंकिंग टेस्ट समाप्त हुआ क्रम व्यवस्था, अगर कोई विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछना चाहे क्रम व्यवस्था का पूछ सकता है, ठीक है? ऑफलाइन वालों के लिए यहां मैं खड़ा हूं और ऑनलाइन वालों के लिए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, क्लियर? आगे की बात करेंगे कल नए टॉपिक के साथ।